Hey guys, welcome back to our YouTube channel and it's a day 3 Rosa और आज रूमी को कौन मिला रहा है guess करो ओ नंदू पुंदू दोनों okay, so आज भी हम कुछ नया नया बनाने वाले हैं अभी तो मैं फ्रेश भी नहीं हुई हूँ लेकिन हम लोग कुछ बनाने वाले सो ये व्लॉग मिस मत करना जल्दी निकालो तेल क्या निकालो तेल तेल तो बहुत हल्का है मम्मी क्या है कि नहीं अंदर नाला पड़ेगा ये नुकसान सब पी जाती है तुम भी पी जाती है तो एक और रेसिपी आज क्रिस्पी चिकन हमारे से बनाएंगे और मम्मी ये तो भूलेगा बार यार बोलो कितना हो बस अब भी सब तेल ढुल जाता था घर में लीसर पट्टी बन जाती लीसर पट्टी गिर गिर के दब जाते उठने जाते तो भी गिर जाते हाँ अब इसमें डालेंगे हम नमक नहीं अभी ये रेसिपी तुम्हारी है ना तो तुम आके बनाओ सब पर डाल देते वो कान में दब जाए एक काम कर चल ये टुकड़िया में इसकी मार दो फटाफट फटाफट एकदम फास्ट फास्ट चला देगा हैं इसमें नमक डाल हल्दी ना हल्दी नहीं मत डाल नमक डाल ओके वो धाणे जीरे क्या होता है वो डाल फिर बेसन डाल दो चम्मच ने थोड़ा बहुत अदरक लहसुन का मसाला ना ऐसा सब डाल दो इसका सब नहीं अंडा डालना है तो डाल सकती है ना अंडा नहीं डालने का हल्दी मम्मी अपने ना इंडियन मॉम्स वर लाइक इंडियन मॉम्स अदरक लहसुन डालने का ये नीला मसाला है अदरक लहसुन आज मुस्कान ने वो कहता हूँ तेरे को समझती नहीं कोई चीज में मेरा हाथ से डाल ले बरकत ही होगा बस अब हाथ गंदे कर नमक डाले नमक मुस्कान को नमक डाला वो अभी डबल हो जाता बाकी रोल खाएंगे समोसे खाएंगे पॉकेट खाएंगे चीज बॉल्स और ये शामी नहीं रशियन सी मैं नाम ले लूंगा इसमें ऐसे ऐसे नहीं डालो रुको हटो Hey guys, I'm back with another product for your baby's sensitive skin. I know it's very tough to choose best for your baby. Lots of things comes in your mind कि क्या ले कैसे ले क्या सूट करेगा क्या नहीं In the beginning, I used to change 3 to 4 brands which I cannot take names and of course Rumi was very fair while she was born लेकिन उसके बाद उसे 7 दिन बोलते ना कुछ हीट में रखा हुआ था सो ऑलमोस्ट उसकी जो डिग्री थी वो 40 डिग्रीज पे थी इट इज़ वेरी हॉट तो उसके वजह से उसकी जो स्किन थी वो पूरी जल गई थी और वो ब्लैक हो गई थी इस वजह से वी डिड नॉट पोस्ट एनीथिंग एंड उसकी वजह से मैंने 2-3 ब्रांड्स चेंज की है विच आई कैन नॉट टेक द नेम एंड चेंज करने का रीज़न ही यही था कि कभी किस पे भी भरोसा नहीं होता है मैं सोचती हूँ ये इससे बेटर होगा वो उससे बेटर होगा वो उससे बेटर होगा करके मैंने 4 ब्रांड्स चेंज कर ली तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा टफ है हमारे लिए चूज करना कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं सो राइट नाउ गाइज आई हैव गॉट माई बेस्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम द लव लैब मॉइस्चराइजिंग बेबी बेथिंग बार सो आई थिंक कि इससे ज़्यादा बेस्ट कभी मुझे कुछ नहीं मिल सकता लोग बोलते हैं
कि सोप्स आर नॉट गुड, बट आई फील फॉर दिस सोप कि मुझे इसमें सब कुछ मिलता है, इसमें पीएच बैलेंस है, इसमें डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, इसके अलावा और हमको और तो क्या ही चाहिए। सो मुझे लगता है कि लोगों का जो कहना था कि सिर्फ हमें बॉडी क्लींजिंग के लिए जाना चाहिए, लिक्विड सोप के लिए जाना चाहिए, तो मैं ये चीज़ के लिए बोलूँगी कि नहीं गाइज, यू कैन गो विद दिस बार। This bar is pH balance, means this is pH 5, preserves baby skin and maintain the natural balance. Ingredients are used are natural goodness of your little ones. First is shea butter, which keeps baby skin nourished and protects the skin of your baby. Avocado hydrates and soothes baby skin. Third is olive oil keep moisture and softens baby skin and keep it healthy. Oatmeal calms and nourishes the baby skin, which is friendly for all the skin type, perfect for the sensitive skin. The best thing about this bar, it is a paraben free bar. You can also use this for your born baby as well. So ye soap guys, aapko ek saath itni sari cheeze mil rahi hai soap mein, to mujhe nahi lagta ki isse better aapke baby ke liye, skin ke liye kuch ho sakta hai. And I am highly recommend you guys this. And I think कि हम अगर अवॉइड करना चाहे कहीं ना कहीं लिक्विड सोप्स को, तो हम कर सकते हैं। नाउ आई फील कि ये जो बार है, आप इसे फ्रॉम द बॉर्न बेबी यूज़ कर सकते हो। अभी रूमी 8 मंथ्स की है एंड उसका जो कॉम्प्लेक्शन डिफरेंस था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क लगा है मुझे। एंड आई कंटिन्यूसली यूजिंग दिस, सो मैं इसे एक्स्ट्रा स्पेयर में मंगाती रहती हूँ। सो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट मुझे रूमी की स्किन के लिए कभी नहीं मिलता। तो आई एम गोइंग टू स्टिक दिस फॉर द पास्ट लाइक आगे के जितने भी साल है, मैं जाती रहूँगी इसके साथ, क्योंकि मुझे इससे बेटर कहीं नहीं मिलेगा। एंड आई गाइस, यू रिकमेंड यू के जाओ जाके ये देखो और यूज़ करो वंस व्हाइल। आप इसे यूज़ करो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ऑर्डर दिस, तो यू कैन गेट इट फ्रॉम अमेजोन एंड फ्रॉम द लव लैब लिंक इटसेल्फ, एंड लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। कान ला मुस्कान। तो मैं इसका काटने वाली हूं। सर तू क्या कर रही है? क्रिस्पी चिकन बना रही है। यस बे यार, इसका नाम क्रिस्पी चिकन है। इसका नाम क्या दिया तुमने? इसका नाम अभी तक नाम कर नहीं हुआ। नाम क्या हुआ? ये क्रिस्पी चिकन है। अंडी ऑयल गरम करके रेडी बैठे। ये रेडी होगा, फ्राई होगा, अंडी फ्राई करेंगे। ये मसाला लगा के इसको ज्यादा रखने का, तो क्या मसाला अंदर चढ़ता है मुस्कान? क्योंकि मैं फ्राई करती हूँ तो हाथ को भी फ्राई कर देती। रांधेर का बाजार बहुत ही प्यारा लगता है यार। मैं बाजार में राहुल मारता हूँ जाके, क्या मिला एक दिन रांधेर के बाजार का अपने मुस्कान दीदी को भी लेके जाएंगे। मुस्कान भी मैं कुछ समझो, आज से 5-6 साल से मैं खुद बाजार में नहीं गया हूँ। यहाँ पे बहुत मतलब खाने के लिए इतने लोग पागल होते, कहाँ से लोग खाना आते यहाँ पे इतने टाइम से। मुस्कान दीदी यहाँ पे, मुस्कान दीदी एक भी बार नहीं आया अंदर के बाजार में। मुस्कान आए नहीं, मुस्कान को ले नहीं गए। ओहो, उसको ले भी नहीं जाने की नजर लग जाएगी। नजर लग जाओगी कितनी, मेरे को नजर लग जाए। बहुत अच्छी है यार। यहाँ पे इतनी औरतें जमा होती है रात को। वो हम लोग खट्टा खाते तो कहते हैं औरत जात खट्टा खाती है। वो लोग कुछ भी सब छोकर पूरा थैला नहीं लेके बैठते, एक एक दो दो चीज सब खाते हैं। वो चमचम और सब क्या बोलते हैं वो खाते हैं। वो चमचम फिर चिमड़ी नहीं, साउथी खारिया क्या यार। मुस्कान तो बहुत फेल इंसान निकली। मुस्कान से सब था नहीं खा रहा। मुस्कान को अच्छा नहीं लगता तो यूं बोलते हैं। लकड़े वाला दे दे। बोला कि वो पुडिंग बना ला, तूने बनाई नहीं? क्या बोलते हैं, फिन्नी है वो रेडीमेड जो मेरे को पसंद। तू सहरी में खा लेना। बनाई तो खाई है ना सहरी में।
शाम चोर बना कर रही थी उसका तू तो यार तो कब बनाएगी अब मेरे को खानी थी तो छोड़ अब मेरे नहीं खानी अभी हम दे बवाल नहीं नहीं मेरे खानी थी तू बनाएगी तो भी नहीं खाऊंगा मैं यार अब लड़ाई उसका एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना फिर तो खलास में कोई भी नहीं सुनता उड़ा दो तीन बार उड़ा मेरे को क्या मतलब चिमड़ाएला नहीं तो पतला पतला उसका नहीं अच्छी पेट में समाएगी इसकी जाड़ी है अच्छी जाड़ी अच्छी पेट में समाएगी इसमें खाली करो ये सब मुस्कान खा जाएगी अकेली इतनी इसकी खुराक है माशाल्लाह तो देखो पर इतना टेढ़ी डूंची पर यार सबको एक चीज बताई कि नहीं भाई लाज मत खोल अजीब हो जाएगी फिर ये मेरे को और काटो क्या कर रहा है रोजा नहीं रखा रोजा तो रखा ही नहीं रोजा है क्या झूठ बोला करता तू रोजा है ओ रोजा है आ करो आ क्या है मुस्कान दीदी रोजा पेट में ला मम्मी तुम्हारे से नहीं होता है तुम्हारी उम्र हो गई है मम्मी मैं कर दूँ ला उसको हटा दे रहा मम्मी तुम बहुत धीरे कर रही हो देखा मैंने बोला था नहीं लेने से कितना फायदा लगा बोला था ना क्या ये मैंने लिए लाया रिलायंस मॉल में से मेरे को चलो ला मैं डाल देता हूँ अब क्या डाल दो ये डाल दो ये ना डाल दो अभी मत डाल वो डाल दे समझ नहीं पड़ा ना डालने वाला आ गए इसके लिए लग जाएगा अरे मन तुमने किया मैंने नहीं किया मैं तो धीरे से डाल दो जो जो से मिलते हैं मम्मी इससे जोर से डाला किसे डाला बस मैं अब मत डाल काफी बदल लग रहा पड़ी है सास बहू का प्यार है ये मुस्कान खोजे खाओ हमारा रोजा है तेरा रोजा है कब रखा असर रोजा कब रखा ईमानदारी से बोल रात को नहीं शहरी में रखते रोजा सुबह की अजान कर ले वो कैसा रोम खिलाने गया रूम में पे वो भाग गया ऐसे जान के फटक गया यार में यहाँ काम करना पड़ेगा इस टाइम रूमी को राउंड खिलाने ले जाओ भाग गया हूँ छन्नू स्पॉट है जब से बैटरी वाली गाड़ी की शुरू हुई है लोगों को इतना आराम हो गया तो मैंने ये चिकन का ले लिया है और फिर मैंने चिकन को रिप चिकन हुई इसकी अंदर घुमा घुमा की घुमा घुमा की नहीं इसको हाथ से दबाना पड़ता है घुमा घुमा की घुमा हाँ यूँ हाथ से दबाना पड़ता है मम्मी उसको थोड़ा पानी लगा तेल लगा उसके अंदर मैंने पानी लगाया मांडे चिपक जाए चिकन तो दिख रही चिकन दिखनी थोड़ी चाहिए बहुत 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 तुमने गलत किया हो ऐसे नहीं पहले हाथ में लेने का उसको अरे ये अंदर दबाने का नहीं होगा सीधे हल्का पानी तो ले तो चिपकेगा ना वो ये क्या करा ये कौन सा चिकन बना ये तो ये इस तरह अंदर क्यों डाल दी एक में सब सब नरम हो जाएगी वो की तो नरम नरम ही तो क्रिस्पी क्या हो गई गई पीछे काटना पड़ेगी तो करो ना तू रखती क्या करेगी घर में अपनों को डबल थोड़ी होगी यार वो बहुत फिकर करते घर ले जाने का बाजू काट दे बहुत देर है मम्मी अभी तो 6:30 बजे लग गई है इसके लिए तो कर लिया यार ये जो कट करनी पड़ेगी 6:30 बजे लग गई देखो 7:00 या 9:00 है क्या करेंगे बैठ कर तुम लोग बैठ जाओ हाँ पढ़ने बैठ जाओ क्या है वो क्या है बात सोनू दो ने क्या दो और कट करो हजू कट करो पहले डूबेगा अम्मी फिर तरेगा नहीं फिर तलाएगा ऐसा है ऐसा वो वीडियो में उसने बोला था
किसने वीडियो में बुला लो, तरेगा नहीं वो, तरेगा किस तरह, बस इतने तक डालो, तरेगा अभी देखेंगे। अम्मी अभी कुछ मच्छर फोन लो कर ले जरा, तो वापिस काटू जब तक बनाने की रेसिपी अलग होती है, तलने की तो सबकी सेम ही होती है ना। एक और क्या और समझाओ उस काम को यार। तू बोल रहा था रेगा। मुझे खुद बनाया ना उस काम कुछ। वाह है। वो है छुरी गुच्छे की तरह। तरबूज भाई कैसे दिए तरबूज, क्या खबर क्या खबर। चलो अम्मी हो जाए टीतान है, टीतान 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 चोर पकड़ा है वो। चल मुस्कान दो एक। सो मैंने बनाया है ये, मैंने ये किसने बनाया, आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा किसने बनाया, क्या जी मैंने बनाया ये। अब तुम और मैं एक ही तो है। देने की तरफ अलग अलग, लेने की तरफ एक, नहीं लेने की तरफ अलग अलग, देने की तरफ एक हो जाओ। क्या बोल रहे हैं, समझने वाले समझ गए। लेना हो तो अलग अलग, देना हो तो एक हो जाओ। चलो मैं कुछ बाहर से थोड़ा बहुत लेकर आता हूँ, चने आलू यहाँ पे बहुत फेमस है, वो लेने जा रहा हूँ मैं बाहर। तो आज बहुत दिन बाद मेरी गाड़ी निकालूंगा मैं, गाड़ी निकालू जल्दी बताओ क्या है। एक चोर तरबूज चोरी करते हुए पकड़ा गया, देखो ये 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 मुंह में ये लोग ना तरबूज चोरी ना आ कर आ क्या कर रहा है। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह मासाल लकड़ी ला, नहीं ला ला लकड़ी ला 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 हम भी छोटा लोग तो जो कहा है ले छोटा है ना जो वो मेरे चाप भी बाद ये अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह यार लाल को भी चोर तरबूज इतना कंट्रोल करा, इतना कंट्रोल करा, चले चोर पकड़ा गया चोर। बस ये चलने नहीं देती पॉकेट के 3 बजे क्योंकि वो लिए ना तो तड़ ला लो अपने में 3 किस तरह खाएगी कल भी कोई नसीब नहीं मिले मैंने भी नहीं चाहते तो पॉकेट तड़ ला लो चलो तेल चार बोल दो क्या करना है सो गाइस हम लोग भी फ्री हो गए, रोजे का सब तल बन लिया है और सब हो गया। रूमी फिलहाल सो गई है आज, वैसे तो रोजे के टाइम पे सोती नहीं है लेकिन हम सो गई है पता नहीं। और रहमान गए हैं टिफिन लेने के लिए पापा को, मतलब मेरे जो फादर इन लॉ है वो दादी के यहाँ पे रहते हैं, मतलब अभी थोड़े दिन के लिए गए हैं, दादी की डेथ हो गई है तो मतलब कल ही हुई थी तो वो लोग वहाँ पे है तो वहाँ पे टिफ़िन भेजना पड़ता है तो रहमान वही देने के लिए गए हैं। और अभी क्या टाइम हो रहा है, 7 बजने में बहुत ज़्यादा देर है तो हम वेट कर रहे हैं नमाज की अजान की और फिर रोज़ा खोल लेंगे, मेरा तो रोज़ा नहीं है आज। रूम में भी सो रही है तो आप सुकून तरफ सुकून। सो आज के लिए बस इतना ही, हम करेंगे इफ्तारी, वैसे हमारे इफ्तारी का सारा रेडी हो गया, मैं कुछ बता देती हूँ।
वैसे हम लोग सिर्फ 3 जने रोज़ा खोलने के लिए और उसमें इतना सारा है और तो बस दस्तरखान रेडी हो चुका है। हम लोग यहाँ पे बैठ गए। पापा का बताया था, पापा अभी है नहीं यहाँ पे फिलहाल। मुस्कान दुआ मांगेंगे, मुस्कान क्या मांगेंगे दुआ में? और हमारी रूमी यहाँ पे सो रही है, सब ऑलमोस्ट रेडी है, शरबत भरने का बाकी है और टाइम है सिर्फ 5 मिनट बाकी है। सर कितनी मिनट बाकी है देखने, टाइम देखने एक बार। तो रोज़े के टाइम पे दुआ मांगनी चाहिए ज़्यादा। हाफिज़ दुआ में याद, और आप लोग की दुआ में हमें याद रखना है। हमारा रोज़ा खुल गया है और रूमी मैडम की गुड मॉर्निंग हो गई है। गुड मॉर्निंग रूमा, गुड मॉर्निंग। ना बेटू गिरेगा, मेरा बच्चा गिर जाएगा बेटू, कम यार, आओ आओ के ना आओ आओ। सो फाइनली इफ्तारी भी हो गई है, नमाज भी हम लोगों ने पढ़ ली है, रहमान भी नमाज पढ़ के आ गए हैं और रूमी भी उठ गई है अब तो। सो आज के लिए बस इतना ही था। कल वाला व्लॉग हम लोग नहीं बना पाए क्योंकि हम लोग थोड़ा बिजी थे, और आज से हम लोग वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं वैसे व्लॉगिंग। रूमा मेरा मुंह देख रहा है, हाय रूमा, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो भाई इफ्तारी सब कुछ हो गई, मैंने तरावी भी पढ़ ली, बट ये मुस्कान देखो खाना पूरा दिन, बस इसका रमजान में एक ही काम है सिर्फ, खाली खाना। ये हम लोग ने सहरी के लिए बनाया था बट इसने अभी ये भी दे मारा, कुछ नहीं हो सकता इसका। रूमी को लेके गए हैं बाहर राउंड खिलाने, मम्मी गए हैं पढ़ने के लिए और हम लोग अभी बैठे हैं। मैं अभी जाऊंगा बाहर रमजान में, वैसे दोस्तों में रात को बाहर चला जाता हूँ तो इसलिए हम लोग रात में ब्लॉगिंग नहीं करते क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ दोस्तों में, पूरा दिन घर पे रहता हूँ। वैसे ही आज का ब्लॉग यहाँ पे हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। क्या तेरा मन रखने के लिए जरा खा लेता हूँ, देख मेरा मन नहीं है उसके लिए खाने का। क्यों नहीं? अभी नहीं खाना, खाना भूख नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है भूख इसलिए। चलो ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, और कल के ब्लॉग में मिलेंगे। कल कुछ अच्छा करते, नया सोचते इंशाल्लाह, ठीक है, दुआ में याद रखना।